फिर पिछले वीडियो में हमने बात की थी आयरन के बारे में, जो कि दो कंसर्न में थी, एक किशोरों के लिए, दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इसकी जागरूकता का लेवल क्या है। तो सबसे पहले हम एक क्लिपिंग देख लेते हैं और उसके बाद फिर इस पर चर्चा करेंगे कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए। तो आइए देखते हैं। कोई जरूरत नहीं है जांच वांच कराने की, दो महीने भी नहीं हुए गर्भ को, तू और तेरा बाप दोनों बिना जांच के हुए थे, उसके बाप भी और उनके भी। पर दादी, फिर ये कैसे पता चलेगा कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं? चांस क्यों लेना? क्या चांस? वो देखो, परसों से सुनती आ रही हूँ, इसे ठीक करवा लीजिए, कभी सिर पे गिर गया तो आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई जांच कराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। जांच करा ले। प्रसव के पहले माँ की कम से कम 4 बार जांच अवश्य कराएं। ये सेवाएं बिल्कुल मुफ्त हैं। चांस क्यों लेना है? चांस क्यों लेना? मैंने छत की भी मरम्मत करवा दी, आखिर चांस क्यों लेना? व्यूअर्स, जहाँ तक जागरूकता की अगर हम बात करें तो अब बहुत फ़र्क आया है पहले की अपेक्षा समाज में हमारे, और जागरूकता का लेवल भी बढ़ा है। और इसमें इससे कोई दोराह नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा रोल आशाओं का, आंगनवाड़ी सेंटर्स का या फिर ANM बहन जी का है। और उसके साथ साथ जो डॉक्टर्स हैं हमारे, या फिर जो हमारे समाज में जिस भी तरीके से इसको सरकार जागरूकता फैलाती है, उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल है। लेकिन फिर भी इसमें हमारा और आपका इनिशिएटिव और पर्सनल एफर्ट भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है कि हम किस तरीके से अपने घर के लोगों को जागरूक करते हैं। क्योंकि अगर हम ये सारी चीज़ें अपने घर में ही किसी को नहीं बताएंगे तो शायद वो अच्छे से अवेयर नहीं हो पाएंगे। इस क्लिपिंग से एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो थी वो सामने आई, कि जो लास्ट में उन्होंने कही कि जब से प्रेगनेंसी होती है तब से और डिलीवरी के टाइम तक जो ड्यूरेशन होता है उसमें कम से कम 4 जांचें होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की 4 बार जांच होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके, प्रॉपर उसकी काउंसलिंग हो सके, प्रॉपर वो कैसे अपना केयर करेगी, कैसे ध्यान रखेगी, आयरन की कितनी उसके अंदर कितना लेवल है, या फिर उसको कितनी आयरन की अभी और ज़रूरत है, या फिर किस तरीके से वो अपनी डाइट को मेंटेन करे, ये सारी चीज़ों पर उस पर ध्यान दिया जाता है उस दौरान। तो इसलिए ये 4 जांचें उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसको फॉलो भी करेंगे, जागरूक खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।